दोस्तों लॉकडाउन में सबसे ज्यादा तकलीफ गरीब मजदूरों को उठानी पड़ी। ये मजदूर अपने जीवन यापन के लिए गांव से शहर और कभी कभी तो एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए निकल पड़ते हैं और शहरों के विकास में इनका अहम योगदान होता है। लॉकडाउन की वजह से इनको खाने पीने की दिक्कतें होने लगी, यहाँ तक इनको काम से भी निकाल दिया गया। अब घर जाने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आया। लॉकडाउन में ट्रेन बस जैसी सारी यातायात की सुविधाएं बंद थी। ऐसे में यह मजदूर पैदल ही अपने घर के लिए निकल पड़े। एक शख्स था जिसने मजदूरों की तकलीफ को समझा और सबको सही सलामत घर पहुंचाने का जिम्मा उठा लिया। ये शख्स हैं सोनू सूद, जो कि बॉलीवुड के जाने माने कलाकार हैं। वे अक्सर फिल्मों में विलेन की भूमिका निभाते हैं, लेकिन असल जिंदगी में वे हीरो हैं। मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए उन्होंने अपने खर्च पर बसों का इंतजाम करवाया और मजदूरों को उनके घर पहुंचाने लगे। अब तक सोनू 12,000 मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुके हैं। सोनू ने ठान लिया है, जब तक वे आखिरी मजदूर को उनके घर नहीं पहुंचा देते तब तक वे आराम नहीं करेंगे। वैसे तो सोनू से भी बड़े बड़े कलाकार और पैसे वाले मुंबई में रहते हैं, लेकिन किसी ने भी मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद नहीं की। सब ने पीएम फंड में पैसा जमा किया और सोचने लगे कि हम अपनी जिम्मेदारियों से आज़ाद हो गए, लेकिन सोनू ऐसे नहीं थे, क्योंकि सोनू जानते हैं मुंबई में रहना सबके बस की बात नहीं। उन्होंने खुद कई सालों तक स्ट्रगल किया, इसलिए वे मजदूरों के दुखों को अच्छी तरह समझ गए। सोनू का जन्म 30 जुलाई 1973 को मोगा पंजाब में हुआ। इनके पिता एक इंटरप्रेन्योर थे और इनकी माँ एक टीचर थी। इनकी स्कूली शिक्षा मोगा में हुई। कॉलेज की पढ़ाई के लिए नागपुर चले गए और यशवंत राव चौहान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इलेक्ट्रॉनिक्स में इंजीनियरिंग किए। इंजीनियरिंग के बाद जब उन्होंने मॉडलिंग करने का सोचा तब उनकी माँ ने उनका पूरा सपोर्ट किया। मॉडलिंग करने के दौरान ही इन्होंने 1996 में सोलानी से शादी की। इनके दो बच्चे ईशांत और अयान हैं। समय के साथ सोनू मॉडलिंग इंडस्ट्री के जाने माने नाम बन चुके थे। इसी समय इन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया। सोनू की पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी, इसी वजह से इनको साउथ के फिल्मों के ऑफर आने लगे। 1999 में इन्होंने एक तमिल फिल्म कालाज घर में एक चर्च के पादरी की भूमिका निभाई। 2001 तक इन्होंने साउथ के 2004 फिल्मों में काम किए। उसके बाद 2002 में इनकी हिंदी फिल्म शहीद आजम आई, जिसमें इन्होंने भगत सिंह का रोल किया था। इस फिल्म के लिए इनको कई सारे अवार्ड्स मिले थे। 2003 से लेकर 2006 तक इन्होंने अनेक भाषाओं के फिल्मों में काम किया, लेकिन इनको वो पहचान नहीं मिली जिसके हकदार सोनू थे। 2008 में इनकी फिल्म आई जोधा अकबर, जिसमें इन्होंने युवराज सुजामल की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और कई सारे अवार्ड भी मिले थे इस फिल्म को। इसी फिल्म के लिए सोनू को फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। इस फिल्म के बाद सोनू को अच्छी फिल्मों के ऑफर आने लगे। सिंह इज किंग के लकी सिंह और दबंग के छेदी सिंह को कौन भूल सकता है। दबंग में किए गए अभिनय के लिए इनको कई सारे अवार्ड्स मिले हैं। 2009 में आई इनकी तेलुगु फिल्म अरुंधति के लिए इनको सहायक अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला था। 1999 से 2019 तक सोनू सूद 60 से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं। इनके आने वाली फिल्म पृथ्वीराज है, जिसमें ये चंद बरदाई की भूमिका में नजर आने वाले हैं। सोनू ने अधिकतर फिल्मों में विलेन का रोल किया है, लेकिन असल जिंदगी में सोनू हीरो निकले। उन्होंने जो काम किया मजदूरों के लिए वे बेहद सराहनीय है। हमारा चैनल सोनू के दर्दिले को सलाम करता है। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।